हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर सुभाष मिश्रा है और मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूं। और आज हम चर्चा कर रहे हैं जॉन्डिस के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जॉन्डिस क्या होता है, जॉन्डिस के क्या कारण हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं, बॉडी में क्या दिक्कत आता है, साथ ही डायग्नोसिस का क्या प्रोटोकॉल है, लैब में किस टेस्ट के द्वारा हम यह कन्फर्म करते हैं कि किसी भी पर्सन के अंदर जॉन्डिस है, साथ ही इसके ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं और इसे कैसे बचा जा सकता है, इसका क्या प्रिवेंशन है और फिर हम कंक्लूजन पे चर्चा करेंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें, अपने नॉलेज को अपडेट करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब जॉन्डिस के बारे में बात करते हैं तो जॉन्डिस एक ऐसा कंडीशन है जिस कंडीशन में जो स्किन है इसके साथ साथ जो आई का व्हाइट पोर्शन है, ये जो आप व्हाइट पोर्शन देख रहे हैं, ये क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। वेरी सिंपल समझने की कोशिश करेंगे कि बॉडी का एक ऐसा कंडीशन जिस कंडीशन में क्या होता है, स्किन का कलर और आई के अंदर जो आंख के अंदर जो व्हाइट पोर्शन है उसका कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है, पीला हो जाता है। कहता है अगर ऐसा किसी पर्सन के अंदर देखने को मिलता है तो ये एक पहचान है, ये एक साइन है, ये एक इंडिकेटर है जो इंडिकेट करता है कि यह इस पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है। जब बात करते हैं कॉज ऑफ जॉन्डिस के बारे में कि जॉन्डिस के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो जॉन्डिस के कई कारण हो सकते हैं जिसमें मुख्य रूप से लीवर डिजीज हो सकता है, ब्लड डिसऑर्डर हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकता है और इन्फेक्शंस हो सकते हैं। जब लीवर डिजीज के बारे में बात करेंगे, जैसे हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस क्या होता है, लीवर के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है, वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा, तो अलग अलग हेपेटाइटिस के भी बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें, उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने हेपेटाइटिस के बारे में शेयर किया है। अभी हम जॉन्डिस के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं कि जॉन्डिस के अंदर जो पहला कारण हम दे रहे हैं वो लीवर डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं, और उसमें क्या है, हेपेटाइटिस भी है, एक लीवर सिरोसिस है, इसके अलावा लीवर के अंदर कैंसर है, इस सब के वजह से भी जॉन्डिस हो सकता है। और जॉन्डिस क्या है, स्किन का और आई का जो व्हाइट पोर्शन है उसका कलर आप देखेंगे किसी पर्सन में वो येलो होता है। आगे चल करके हम सिम्टम्स पे और भी विस्तार में आपसे चर्चा करेंगे। तो पहला हमने तीन चार मुख्य रूप से कारण जो लीवर से जुड़ा हुआ बताया कि लीवर के अंदर अगर वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, लीवर के अंदर उसके सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाता है, लीवर के अंदर अगर जो सेल्स है उसका इरेगुलर और एबनॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, तो ये सारे कारण हो सकते हैं और इसके वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट के अंदर जॉन्डिस हो सकता है। सेकेंड, जब बात करते हैं जैसे ब्लड डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं, और ब्लड डिसऑर्डर के अंदर में क्या है, सिकल सेल एनीमिया। ये सिकल सेल एनीमिया क्या है, एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें आरबीसी का शेप जनरली क्या होता है, राउंड शेप का होता है और वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, लेकिन कुछ कंडीशन में जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या हो जाता है, उस म्यूटेशन होने के वजह से, लाइक जीन में चेंजेस होने के वजह से आरबीसी का शेप ओवल और राउंड ना होकर के सिकल शेप का हो जाता है, और ऐसे कंडीशन में पेशेंट को क्या होता है, जॉन्डिस होने का संभावना होता है। साथ साथ एक और कंडीशन है, थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया क्या है, एक प्रकार का ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इसमें क्या जाता है, कई बार आरबीसी का जो है सो लाइक शेप, और साथ साथ क्या होता है कि आरबीसी के अंदर अगर हम देखेंगे तो उसमें मुख्य रूप से क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है, और जो हेमोग्लोबिन है उसके अलग अलग चेन होते हैं, अल्फा चेन है, बीटा चेन है, तो इस चेन के प्रोडक्शन में, इसके प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आता है, और पेशेंट के अंदर में आरबीसी का थैलेसीमिया के अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि लाइक माइनर है, मेजर है, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है थैलेसीमिया के वजह से भी। तो ये ब्लड डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ दो बात मैंने बताया आपको, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, ये दोनों एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसके साथ साथ जॉन्डिस के जो तीसरा कारण है वो क्या है, ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज क्या है कि कहता है ब्लॉकेज इन द बाइल साइल डक्ट सच एज गॉल स्टोन और ट्यूमर कैन कॉज जॉन्डिस।
गॉल ब्लैडर के अंदर में अगर स्टोन है, जीबी स्टोन है, तो उसके वजह से भी क्या हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, या फिर वहां पे अगर ट्यूमर है, सेल का ग्रोथ इरेगुलर है, अनकंट्रोल्ड है, तो उसके वजह से भी जॉन्डिस हो सकता है। तो ब्लॉकेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, और ये ब्लॉकेज किसका, बाइल डक्ट का, ये जो बाइल डक्ट है इसमें अगर ब्लॉकेज आ जाता है तो भी जॉन्डिस हो सकता है। इन्फेक्शंस है, अलग अलग इन्फेक्शन, जैसे कि मलेरिया है, जैसे कि लाइक डेंगू फीवर है, या फिर येलो फीवर है, इसके वजह से भी क्या होता है, जॉन्डिस होता है। तो अभी हमने चर्चा किया कॉज ऑफ जॉन्डिस के बारे में, जिसमें मैंने बताया लीवर के अंदर में हेपेटाइटिस है, सिरोसिस है, या फिर लीवर कैंसर है, या ब्लड डिसऑर्डर में जैसे सिकल सेल एनीमिया है, हेपेटाइटिस है, या फिर ब्लॉकेज है, अगर बाइल डक्ट का सही से ब्लॉकेज अगर बाइल डक्ट के अंदर हो गया, या गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो गया, या फिर ट्यूमर हो गया, या इसके अलावा आपको मलेरिया है, किसी को डेंगू फीवर है, तो येलो फीवर है, ऐसे कंडीशन में भी पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है। सिम्टम्स की बात करें, पहला स्लाइड ही हमने शुरू किया था, आपको बताया था कि स्किन का कलर और आई का कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द जॉन्डिस, क्या कि येलोइंग ऑफ स्किन, स्किन का कलर येलो हो जाना और आई के व्हाइट पोर्शन का कलर येलो हो जाना। इसके साथ साथ जो यूरिन है, यूरिन का कलर भी क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। यूरिन का कलर भी शुरुआत में तो पेल येलो होता है, धीरे धीरे डार्क कलर का यूरिन होना शुरू हो जाता है। स्टूल भी डार्क हो जाता है, पेल स्टूल हो जाता है, तो ये भी जॉन्डिस का एक लक्षण है। इसके अलावा ईचिंग, सम पीपल में एक्सपीरियंस ईचिंग ड्यू टू जॉन्डिस, कई बार क्या हो जाता है, कुछ लोगों में ईचिंग भी होना शुरू हो जाता है, तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है किसका, जॉन्डिस के अंदर में, पेशेंट के अंदर ये सिम्टम्स देखने को मिलता है। और पेशेंट फैटिक फील करता है, जॉन्डिस कैन ऑल्सो कॉल फैटिक एंड वीकनेस, कमजोरी आना शुरू हो जाता है पेशेंट के अंदर में। आरबीसी क्या है, अभी मैंने देखा जैसे सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया में आरबीसी का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है, आरबीसी टूटना शुरू हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को वीकनेस होता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, वो कुछ भी खाता है तो वो खाना पच नहीं पाता है, तो फिर ऐसे कंडीशन में वीकनेस हो जाता है। तो ये मुख्य रूप से मैंने आपको बताया सिम्टम्स में, स्किन का कलर, यूरिन का कलर, आई का कलर, ये सारा येलो हो जाना है, बॉडी में इचिंग होना, बॉडी में थकान महसूस करना, ये सारे सिम्टम्स हैं। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, लैब में कैसे पता करेंगे कि किसी को जॉन्डिस है, सबसे पहला तो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में देख रहे हैं कि पेशेंट के आई का कलर देख रहे हैं, स्किन का कलर देख रहे हैं, ये सारे हैं। इसके साथ साथ जो हम लोग यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन रूटीन यूरिन एनालिसिस करेंगे, तो उसमें क्या पाएंगे, जो यूरिन का कलर है वो क्या होगा, यूरिन का कलर आपको पेशेंट के अंदर में येलो होगा। इसके साथ साथ हम उसमें बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट टेस्ट करते हैं यूरिन के अंदर में। साथ ही जब हम ब्लड टेस्ट के बारे में बात करते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, वो क्या है, ब्लीरूबिन है। ये ब्लीरूबिन का 1 mg पर डीएल अगर होता है तो हम मानते हैं कि पेशेंट नॉर्मल है, लेकिन अगर 1 से ज़्यादा होता है तो हम ये पेशेंट के अंदर में ये बताता है कि पेशेंट को क्या है, जॉन्डिस है। तो आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, और ब्लड टेस्ट में बिलरूबिन के लेवल से आप पता कर सकते हैं कि आपको जॉन्डिस है या जॉन्डिस नहीं है। तो ये बिलरूबिन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड से लीवर के अंदर अगर हेपेटोमेगाली है, स्प्लीन के अंदर में सूजन है, तो ये सारे चीज़ों को भी हम इमेजिंग के द्वारा लाइक सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम लोग कंफर्म कर सकते हैं, या फिर लाइक जीबी स्टोन है उसको भी हम लोग कंफर्म कर सकते हैं, बाइल डक्ट में अगर कहीं ब्लॉकेज है, रुकावट है, तो उसको भी हम लोग कंफर्म कर सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से यूरिन एग्जामिनेशन के द्वारा कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट के द्वारा कर सकते हैं, और सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम इसको पता कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के क्या प्रोटोकॉल हैं, तो ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं, तो डिपेंड करता है पेशेंट का कैसा कंडीशन है, और उस कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। इट इज डिपेंड अपॉन द पेशेंट कंडीशन, ये पेशेंट के कंडीशन पे निर्भर करता है कि किस प्रकार का ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल पेशेंट को देना है। साथ साथ मेडिकेशन की बात करें, दवा की बात करें, तो क्या है, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट के अंदर में कौन सा इन्फेक्शन है, एक इन्फेक्शन की क्या स्थिति है, उस पर डिपेंड करता है, या फिर ऑटोइम्यून डिजीज तो नहीं है। इसके अलावा आप बेसिकली जो कंडीशन है पेशेंट के अंदर, जो सिम्टम्स हैं, उसको ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर लीवर के अंदर में इन्फेक्शन है, लीवर के अंदर में लाइक हेपेटाइटिस है या सिरोसिस है,
तो हम प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन ये एक क्रिटिकल केस है लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में जो मैंने जिक्र किया है, ये सीवियर कंडीशन में ऐसा होता है। इन जनरल जो ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल हैं वो मुख्य रूप से क्या है कि पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल स्लाइन चढ़ाते हैं, पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं रेस्ट में रखते हैं, ग्लूकोज चढ़ाते हैं, चूंकि उसके बॉडी के अंदर में कोई डाइजेस्ट नहीं होता है, तो धीरे धीरे 5 से 7 दिन में पेशेंट जो रिकवर करना शुरू हो कर देता है। लेकिन अगर वो जेनेटिक डिजीज के कारण है, वो थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के कारण है, तो उसका ट्रीटमेंट तो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है कि क्या बॉडी का कंप्लीट कंडीशन है। तो ट्रीटमेंट निर्भर करता है पेशेंट के कंडीशन पे। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, कई बार एक्यूट लीवर फेल्योर हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है। सीवियर केस ऑफ जॉन्डिस कॉज बाई द लीवर डिजीज कैन लीड टू द एक्यूट लीवर फेल्योर, कई बार लीवर भी फेल हो सकता है जॉन्डिस के वजह से, और जिसके वजह से पेशेंट का मृत्यु हो सकता है, विच कैन बी फेटल। डिहाइड्रेशन की बारे में बात करें, जॉन्डिस कैन लीड टू द डिहाइड्रेशन ड्यू टू द डिक्रीज इन फ्लूइड इन द बॉडी, बॉडी के अंदर में पानी का मात्रा कम हो जाता है और इसके वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसके वजह से आगे चल के लीवर में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, लीवर काम करना शुरू बंद कर देता है। ब्रेन डैमेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन सीवियर केसेस में बात करेंगे, जैसे हाई लेवल ऑफ बिलरुबिन के वजह से ये क्या कर सकता है, कहता है इन सीवियर केसेस हाई लेवल ऑफ बिलरुबिन इन द ब्लड कैन कॉज ब्रेन डैमेज। बिलरुबिन का लेवल, अगर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात चर्चा कर रहा हूं, मैंने कई बार बताया है कि बिलरुबिन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 1 मिलीग्राम से नीचे होना चाहिए, लेकिन अगर आप सही से इसको टेस्ट नहीं करा रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं, तो ये बिलरुबिन का मात्रा ब्लड में ज्यादा है तो ये ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। फिर प्रिवेंशन और मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, तो वैक्सीन अवेलेबल है, वैक्सीन लीजिए, हेपेटाइटिस का वैक्सीन अवेलेबल है। कहता है सम फॉर्म्स ऑफ हेपेटाइटिस कॉमन कॉज ऑफ जॉन्डिस कैन बी प्रिवेंटेड वैक्सीनेशन, आप कुछ जो स्ट्रेन हैं, कुछ जो वायरस के हैं हेपेटाइटिस के, उसका वैक्सीन अवेलेबल है, आप समय से वैक्सीन लीजिए, निश्चित रूप से ये प्रिकॉशन देगा, आपको प्रिवेंट करेगा किससे, हेपेटाइटिस से, किससे प्रिवेंट करेगा, जॉन्डिस से। लाइफ स्टाइल चेंजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गंदा खाना खाना है, गंदा पानी पीना है, इससे हेपेटाइटिस वायरस आपके बॉडी में आता है और फिर वो आपके लीवर के अंदर इन्फेक्शन पैदा करता है, तो आपको देखना पड़ेगा। मेकिंग लाइफ स्टाइल चेंजेस लाइक रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का भी सेवन कम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके साथ साथ कॉन्टेक्ट विद द हार्मफुल केमिकल्स, ये गंदा खाना खाना, गंदा पानी पीना, ये हार्मफुल केमिकल के संपर्क में आपको आना, इस सबसे भी आपको बचना पड़ेगा। मेडिकल केयर क्या है, प्रॉपर मेडिकल केयर होना चाहिए, रेगुलर चेकअप होना चाहिए, समय समय पे जांच कराएं। अगर आप समय पे जांच कराते हैं तो इसको मैनेज करना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप जांच नहीं करा रहे हैं, आप बिलरुबिन को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में फिर दिक्कत होगा। कंक्लूजन क्या है, क्या कहना चाह रहा हूं, क्या उद्देश्य था मेरा वीडियो बनाने का, कि अगर आपका आंख पीला दिख रहा है, अगर आपका यूरिन पीला हो रहा है, अगर आपके किसके स्किन का कलर येलो हो रहा है, तो आप इग्नोर ना करें, आप इमीडिएट डॉक्टर से संपर्क करें। अगर सही समय पे हम डायग्नोस कर लेते हैं तो उसका ट्रीटमेंट मेरे लिए आसान हो जाता है और फिर हम पेशेंट को बचा पाते हैं। नहीं तो मैंने कहा कि अगर बॉडी के अंदर में बिलरुबिन का लेवल ज़्यादा है तो वो ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है और ये कई बार लीवर फेल हो जाते हैं, पेशेंट की मौत हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि प्रिवेंशन हो और साथ लाइफस्टाइल में सुधार करें, और अगर वैक्सीनेशन है तो आप वैक्सीन है, आप वैक्सीन लें और अपने आप को स्वस्थ रखें। बहुत ही शॉर्ट में कंप्लीट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के साथ मैंने आपसे डिस्कस किया और आपको बताया जॉन्डिस क्या होता है। अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप जॉन्डिस से बच सकते हैं। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।